अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बेटा, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिस तरह से मैंने क्लास 9 बायोलॉजी और क्लास 10 की बायोलॉजी के जो तमाम MCQs हैं वो आपको प्रोवाइड किया था, तो बेटा इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 9 की तमाम MCQs की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको क्या करना होगा बेटा, उससे तैयारी करना होगा। इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री के क्लास 9 के तमाम MCQs, कोशिश होगी कि 20 के करीब MCQs आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाए। आपने उससे तैयारी करना है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको तमाम MCQs बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल को अभी आप तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फौरन पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से फायदा उठा सको। जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो आपको मेरी वीडियोस में मिल सकती है। और साथ साथ अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो बेटा ग्रुप के लिए मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसमें जाके अपना नाम और अपनी क्लास का नाम शो करना है, मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है। व्हाट्सएप में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर मुख्तलिफ क्लास के लिंक्स होंगे। बेटा आपने क्या करना है, उसमें से जिस क्लास में आपको ऐड होना है आपने उसका लिंक बताना है, देन आप उसमें क्या हो जाओगे बेटा, ऐड हो जाओगे आराम से, कोई इश्यू आपको नहीं होगी। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से आप इसमें ऐड हो सकते हो। वहाँ पे मैं बेटा मैं MCQs और क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको उससे भी फायदा हो सके। लास्ट टाइम भी मैंने बेटा कंप्यूटर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर्स में आए थे। उसी तरह से मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स तमाम के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको ऐड होना तो जल्दी से ऐड हो जाए उसके अंदर। चलें आए वक्त जाए के बगैर हम केमिस्ट्री क्लास 9 के तमाम MCQs देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर की जानिब से ये जो फिल इन ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, तमाम चैप्टर्स से MCQs ही अपलोड किया हुआ है। बेटा एक ही करके पढ़ते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या होगा। बेटा ये भी मैंने कहीं और से ही उठाया है क्योंकि मैंने खुद सॉल्व नहीं किया है, लेकिन जिसने भी सॉल्व किया है उनका हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ प्रोवाइड किया, क्योंकि वक्त की कमी थी। मैं एक ही करके तमाम को खुद भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन मुझे जब मिला तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप तक भी प्रोवाइड कर दूँ। चले आज पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द हाइड्रोकार्बन। बेटा हाइड्रोकार्बन जिससे डील करता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, बेटा ग्राम एटॉमिक मास होता है। बेटा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस जल्दी-जल्दी बता दूं क्योंकि बहुत सारे MCQs हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस, मतलब मिक्सचर। बेटा अगर ये वाले MCQs आपको पसंद आए ना, तो आपको अच्छे लगे, आपको थोड़े से इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। और साथ-साथ बता देना इससे पहले जितने MCQs मैंने अभी प्रोवाइड किए हैं वो पेपर्स में लाजमी आए, तो आप अल्लाह का मतलब शुक्र है कि लाजमी आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तमाम MCQs भी आए। अगर आप इसे तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ चैप्टर्स के देख लेते हैं MCQs, जो शुरू के MCQs होते हैं जो चैप्टर में मौजूद है, उससे भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। द मोलर मास ऑफ H2SO4, बेटा मोलर मास निकालना था इसको, प्लस करके जो होता है ना 1 × 2 सल्फर और उसका ऑक्सीजन का करने का जो आता है वो 98 ग्राम होता है। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, द फार्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर द टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो बेटा एग्जैक्ट नंबर देता है ना उसे कहते हैं इक्वल नंबर, एक्चुअल नंबर, एग्जैक्ट नंबर, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इथाइल अल्कोहल वाज पेपर्ड बाय अल राजी, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ग्रुप होमो एटॉमिक। तो बेटा NH3, H2O, CO2 तीनों हमारा होमो एटॉमिक नहीं, क्योंकि बुक का क्वेश्चन था तभी इसको लिखा हुआ है। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड इज हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड की इंपेरिकल फॉर्मूला बोला, तो H2O होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता तो H2O2 होता है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ नंबर्स नहीं बताता बल्कि वो नॉर्मल बताता है, रेशियो बताता है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज, बेटा सब्सटेंस कहते हैं प्योर टर्म को। फिर इसके बाद आ जाते हैं मोर MCQ से, ये एक्स्ट्रा MCQ से इसको देख लेगा, फिलहाल हम चैप्टर्स के ही MCQs को अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे ले जाता हूँ बेटा, इसकी PDF में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आराम से। फिलहाल मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व हो गए, चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर नंबर 2 के MCQs देखते हैं। इन एन एटम द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन, बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमें मिलता है, न्यूक्लियॉन्स मिलता है। इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2881। ठीक है, 19 के बराबर हो जाएगा। इफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी बेटा 20 होगा। ठीक है, बी कैन द आइसोटोप ऑफ C12 इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ बेटा 98.8, इसकी कितनी मौजूदगी होती है वो बच रहा था, तो 98.8
8 होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसका लिखा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, बेटा न्यूट्रॉन इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द गिवन, इनमें से जो भी हमें गिवन दिया हुआ उसमें से न्यूट्रॉन क्या है बेटा मोस्ट पेनिट्रेटेड है। उसके बाद लिखा है हाउ मेनी सब शेल इन अ एल शेल, बेटा 2 शेल्स होता है सब शेल ऑफ एल शेल में। द ब्रॉग एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूरेटी टू द इलेक्ट्रॉन इज 1923, बेटा ये तमाम एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा बेटा। द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्क्रीन विच इज यूज इन रडर फॉर एटॉमिक मॉडल, बेटा जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। बेटा मैं इसको बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में ना एक दफा ना आपको नजर आ जाएगा कि ये तमाम एमसीक्यूज भी हैं, तो आप क्या होगा आप इसको पेपर वाले रोज भी लगा सकते हो। देखे क्लास 9 केमिस्ट्री आप देखते जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप चेकआउट कर लिएगा। मैं अभी सिर्फ आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ ताकि आप क्या कर सको इसकी तैयारी कर सको। मेरा चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, इन 1869 मेंडेलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास। ठीक है, पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एसपीडी एंड एफ ब्लॉक बेस ऑन किसके साथ बेस होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेस होता है बेटा। फोर्थ एंड थर्ड पीरियड द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिक्रीजेस अलोंग विद द पेपर पीरियड, बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड्स। फिर लिखा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए, इससे 7A ग्रुप आर नोन एज, बेटा हैलोजींस बोलते हैं 7A ग्रुप को। लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू द मोस्टले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से होता है। देखिए द शेडलिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड इज सेम होता है। उसके बाद लिखा हुआ है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हूँ लेकिन बस आपको एक नजर दिखाना चाहता हूँ कि आपके भी जहन में हो जाए। लेकिन इन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटिव द वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बेटा क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है अभी टॉप टू बॉटम तक जाता है। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद ये चैप्टर नंबर आपके पास 4 आ गया, इसके हम सिर्फ कुछ देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज बेटा NaCl, द इंट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिव एटम इज कॉल्ड बेटा आयोनिक बाउंड। फिर इसका लिखा है 2 फ्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा एन ही होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसमें होगा। फिर इसके बाद हमारे पास लिखा अचीव होगा नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एटम ऑफ ग्रुप 3A इक्वल, बेटा 3 होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एटम ऑफ 3A में क्या होता है बेटा नंबर्स ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 3 होंगे बेसिकली, जाहिर सी बात है। एटम विच लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल फ्रॉम आयन इज कॉल्ड, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम या एटम क्या कहते हैं लूज करता है, तो बेटा वो क्या होता है मैग्नीशियम होता है। उसके बाद लिखा हुआ है इन NaCl क्रिस्टल लैटेक्स ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, NaCl में। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर द मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल इज बेटा ऑक्टेट रूल, ऑक्टा का मतलब ही होता है बेटा 8, तो इसलिए ये भी बिल्कुल ठीक है। व्हेन वन एटम फॉर्म केशन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड अदर फॉर्म ऑफ एन आयंस बाय एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन देन बाउंड फ्रॉम बिटवीन देम इज आयोनिक बाउंड। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सी बात लिखी हुई है, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज दे कंटेन द 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नोबल गैस क्या होते हैं बेटा नॉर्मल होते हैं मतलब वो स्टेबल होते हैं। बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज आ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अ नॉन मेटल एटम फ्रॉम आयन आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर लिखा है व्हेन 2 आइडेंटिकल एटम शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एन एग्जैक्ट फोर्स ऑन विच द अदर देन द बॉन्ड फॉर्म इज विद अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, द सिस्टमैटिक द साइंटिफिक साइन आर यूज ऑन प्लेस वेयर एडिशन इज रिक्वायर, एडिशन इसमें जरूरत होती है बेटा। ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6A सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर 6, बेटा 6A में 6 वैलेंस शेल होता है।
उसके बाद लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर बाय एटम आर कॉल्ड बेटर लोन पेयर बोलते हैं, जो शेयर नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है बोर्ड के पेपर में। स्ट्रेंज ऑफ द इंटर मॉलिकुलर फोर्स फ्रॉम आयोनिक टू कोवलेंट बॉन्ड बेटर वीकर होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आयोनिक क्रिस्टल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द एटम, इसमें डायग्राम नहीं है तो बस ये है, ये चैप्टर नंबर 5 आ जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस डिफ्यूज फास्टेस्ट, बेटा डिफ्यूज फास्टेस्ट कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विद द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर होगा तभी वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपन द नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जैसा नेचर होगा वैसी उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगी। उसके बाद लिखा है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू बेटा 101325 पास का, बेटा याद रखना पेपर्स में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डस नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, बेटा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नहीं डिपेंड करता, इफेक्ट करता है। द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन द गैसेस, मोबिलिटी बेटा लेसर देन गैसेस होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड, बेटा डायमंड इज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद लिखा हुआ बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच, एक मिनट रुको तो इसको देख लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ शुगर सोल्यूशन मीन दैट 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन बेटा 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तमाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन इज बेटा इंग इन वाटर, विच सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर, बेटा 0.25 कंटेन मोर वाटर। व्हेन द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट कैन इट चेंज इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, बटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉलिड, सोल्यूशन दैट कंटेन द सॉलिड सोल्यूट इन टू लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड, बेटा इसमें क्या आ जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड आ जाएगा। वॉट इज द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, बेटा सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस ग्रेटर देन 10^3 नैनोमीटर। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलॉय, बेटा इसके अंदर तमाम एमसीक्यूज मौजूद है, ये मत सोचिएगा कि कोई बीच से गायब हो गया, गैप हो गया तो गैप नहीं हुआ है, एमसीक्यूज मौजूद है मेरे ऊपर, इसको स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया। अलॉय ऑफ CuSn इज कॉल्ड बेटा ब्रॉन्ज कहते हैं इसको, फिर विच वन इज अलॉय तो बेटा स्टील हो जाता है। तो इसको देख लीजिएगा, सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे मेरे पीडीएफ के अंदर, तमाम एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं बेटा, इसके मैंने काफी सारे पढ़ के उतार दिए ताकि आपके नजर से गुजर जाए ये तमाम एमसीक्यूज, ताकि आपके अच्छे मार्क्स भी पेपर में आ सके। बोर्ड के पेपर में इन्हीं टाइप से एमसीक्यूज आते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बायोलॉजी का पेपर जो है आपका उसका भी इसी से ही आएगा इंशाल्लाह। फिर ठीक है, तो आप इसको देख लें, इसका पीडीएफ मेरे पीडीएफ के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो। तरीका डाउनलोड करने का आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था, अभी बता देता हूँ। एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, जैसे लिंक को क्लिक करोगे ऊपर एक एरो का निशान होगा जिसकी मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यकीनन आपको तमाम एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे और मैंने आपको तमाम एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए बेटा। इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है बेटा, मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ का लिंक होगा, आप उस पीडीएफ के लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी, उस ब्लैक स्क्रीन को आपको कुछ नहीं करना है बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक के बटन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।